हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये रोजगार समाचार है जुलाई 2022 के फर्स्ट वीक का पार्ट टू वीडियो। 15 विभागों में बम्पर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, इसे मैंने केंद्र सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से तैयार किया है। राज्यों में जो वैकेंसी है उसकी भी इन्फॉर्मेशन में दी गई है, मैंने शॉर्ट में बताया। डिटेल देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी देखने को मिल रही है IBPS से। यहाँ पर 6035 पद हैं क्लर्क के, 11 नेशनलाइज बैंक्स में। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर। एज लिमिट है 20 से 28 साल। लास्ट डेट फॉर्म निकले 21 जुलाई। अप्लाई फी 175 रुपीज़ से लेकर 850 रुपीज़ है और सैलरी अच्छी खासी मिलती है इसमें। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगली वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स से, ये ग्रुप सी की भर्ती है, अग्निवीर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पद हैं 21, MTS है, LDC भी है, स्टेनो, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, कारपेंटर, कुक एंड अदर्स। योग्यता चाहिए 10th या 12th या ITI। एज लिमिट है 18 से 25 साल। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने के लिए 1 अगस्त। अप्लाई फी नहीं लगेगा, पोस्ट स्टाम्प लगेगा 10 रुपये का और सैलरी अच्छी खासी होती है और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भर जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ऑफलाइन फॉर्म का। अगली वैकेंसी है UP SSSC से। ये PET एग्जामिनेशन है, यानी प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए आपको ये एग्जामिनेशन पास करना होगा और देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसी के मार्क्स के थ्रू ग्रुप सी और डी की भर्ती में आप अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता चाहिए 10th पास या एनी हायर एजुकेशन। 10th पास तो मिनिमम है, इससे अलावा अगर हायर कोई है तो भी आप दे सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 27 जुलाई। ओके, अब फी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं देश भर के। ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगली वैकेंसी इंडियन नेवी में, यहाँ पर अग्निवीर के लिए भर्ती चल रही है। 2800 पद हैं और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। खास बात है फीमेल्स के लिए इसमें 560 पद हैं इसमें से। ओके, अग्निवीर SSR कहा जाएगा, अग्निवीर MR कहा जाएगा। योग्यता चाहिए 10+2 विद मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, एज लिमिट की बात करें तो आप देख रहे हैं 17.5 साल से 23 साल। लास्ट डेट है 22 जुलाई। फी नहीं लगेगा, अच्छी बात है, और सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। अनमैरिड मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगली वैकेंसी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, 89 पद हैं, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट। योग्यता चाहिए 10th पास, एज लिमिट है 18 से 27 साल। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म निकली 31 जुलाई। अप्लाई फी 0-100 रुपीज़ है और सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 25,500 रुपये पर मंथ प्लस अलाउंस भी है। ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगली वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति से, यहाँ पर पद हैं 1616, PGT और TGT। योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन या PG डिग्री प्लस BEd या इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर्स। प्रिंसिपल का भी पद है इसमें। ओके, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने के लिए 22 जुलाई। अप्लाई फी 1500 से 2000 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा है, और सैलरी अच्छी खासी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगली वैकेंसी लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है, तो आप वो ले सकते हैं, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। और उसका वीडियो भी आ चुका है, ये वाला 2 पार्ट में है, आप देख सकते हैं, और इसके थ्रू करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जरूर टकराएंगे, पूरा विश्वास है, क्योंकि इससे पहले के एग्जामिनेशन में खूब आए हैं। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का बहुत मामूली सी रकम है, इसके ज़रिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राइमंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। ओके, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी आयोजित किया गया है। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। 40% डिस्काउंट बुक्स पर, फ्री शिपिंग है, देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET टेस्ट 2022, एग्ज़ाम वैलिडिटी है 3 साल। मतलब ये हुआ कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी की जितनी भी भर्ती होगी वो इसमें जो क्वालिफाई होंगे उसी के अनुसार, और 3 साल की वैलिडिटी होगी इसमें। 26,000 पद हैं, 26,000। योग्यता चाहिए 10th पास या 12th या डिप्लोमा या डिग्री
एज लिमिट है 18 से 42 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 8 जुलाई। आपको बताऊं कि इस फॉर्म को रीओपन किया गया, मतलब कि ये फॉर्म पहले भी आ चुका है और अब रीओपन किया गया। तो जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए कोई बात नहीं है, उनका एक्सेप्ट रहेगा फॉर्म, जैसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस में कहा है। और इसमें नए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो हरियाणा में नौकरी करने के लिए अब ज़रूरी है ग्रुप सी और डी के लिए टेस्ट पास हो, देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, यहाँ पर कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये 2021 का अभी 2022 में होने जा रहा है। ओके, नोटिफिकेशन आया है। तो 29 ये तहसीलदार हैं, इसके अलावा HP यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन, एज लिमिट है 21 से 35 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 14 जुलाई, फी 0 to 400 रुपीज़ है और सैलरी अच्छी खासी है। ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पर 876 पद हैं, मल्टी स्किल्ड वर्कर और स्टोर कीपर टेक्निकल। ओके, योग्यता चाहिए 10th पास या ITI, एज लिमिट है 18 से 27 साल, लास्ट डेट फॉर्म के लिए 11 जुलाई, और फी की बात करें तो 50 रुपये के आसपास है, कुछ के लिए छूट है और सैलरी अच्छी खासी है, केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यहाँ पर 3 पद हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड स्टाफ कार ड्राइवर। योग्यता चाहिए 8th पास या 12th पास, एज लिमिट है 18 से 27 साल, लास्ट डेट फॉर्म के लिए 18 जुलाई, फी नहीं लगेगा और सैलरी ठीक ठाक देखने को मिली, आप देख रहे हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म भर जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगली वैकेंसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है, यहाँ पर 991 पद हैं, 991 LDC क्लर्क स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट। योग्यता चाहिए 12th पास एंड टाइपिंग आना चाहिए आपको। एज लिमिट है 18 से 38 साल, लास्ट डेट फॉर्म के लिए 10 जुलाई, ये डेट बढ़ाया गया है। ओके, अप्लाई फी 50 रुपीज़ to 100 रुपीज़ है और सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 81,100 रुपये है, तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं देश भर के, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगली वैकेंसी है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से, यहाँ पर 5,546 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर। योग्यता चाहिए 12th प्लस सर्टिफिकेट इन CPED या डिप्लोमा इन DPED, डिग्री होनी चाहिए वो ऑप्शन में। ओके, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल है, अप्लाई का डेट है लास्ट ये 22 जुलाई तक। अप्लाई फी 250 से 450 रुपये, लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। ओके, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, 400 पद हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भर्ती होगी। योग्यता चाहिए BSc साइंस या इंजीनियरिंग डिग्री। एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर्स, लास्ट डेट है फॉर्म के लिए 14 जुलाई, अप्लाई फी 0 to 1,000 रुपीज़ है और सैलरी अच्छी खासी है, 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगली वैकेंसी है असम राइफल्स से, यहाँ पर 1380 पद हैं टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए। तो कौन कौन से पद हैं एक्चुअल में, तो क्लर्क हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, माली सफाई है, कुक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह वगैरह। ये अब तो होना चाहिए 10th पास या 12th पास या ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री हो तो अप्लाई कर सकते हैं आप अलग अलग तरह के पद में। एज लिमिट है 18 से 23 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 20 जुलाई, अप्लाई फी 0 to 200 रुपीज़ है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। अगली वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF से, यहाँ पर 110 पद हैं SI यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, अलग अलग तरह के हैं, स्टोर कीपर, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल मैकेनिक वगैरह वगैरह। योग्यता चाहिए 10th पास प्लस ITI या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। एज लिमिट है 18 से 30 साल, लास्ट डेट फॉर्म के लिए 10 जुलाई, फी नहीं लगेगा, अच्छी बात है और सैलरी बेहतरीन देखने को मिली है, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अगली वैकेंसी है यह दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA में, यहाँ पर 279 पद हैं, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, प्रोग्रामर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। योग्यता चाहिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या PG डिग्री। एज लिमिट है 18 से 35 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 10 जुलाई, अप्लाई फी 0 to 1,000 रुपीज़ और सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC से, 14 पद हैं, इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर डायरेक्टर एंड अदर्स। योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन या PG या MBBS,
विद कुछ के लिए अनुभव भी मांगा गया है। एज लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर्स, लास्ट डेट ऑफ फॉर्मेलिटी है 9 जुलाई। अगली वैकेंसी है ITBP से, यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। यहाँ पर 179 पद हैं, कई तरह के पद हैं, जैसे हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए 12th पास प्लस टाइपिंग आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल हैं। अप्लाई का डेट है लास्ट 7 जुलाई और फी नहीं लगेगा फीमेल SC ST के लिए और 100 रुपीज़ है फॉर अदर्स। सैलरी अच्छी खासी मिलते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रोजगार समाचार। हम लोग हर संडे की रात को ये वीडियो लेकर आते हैं, अगली बार देखना मत भूलना। और सरकारी जॉब में उसका करंट अफेयर्स मेंबरशिप आप देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।